खबर छतरपुर से है, जहां जिला के गौरीहार तहसील परिसर में आयोजित जन किसान आक्रोश सभा में तहसीलदार मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। वहीं सभा में कांग्रेस की गुटबाजी भी देखने को मिली। चंदला विधानसभा से टिकट के दावेदार कहे जाने वाली अनित्या सिंह, राजू प्रजापति, लाला राम आदि कई चेहरे नदारद रहे। पुष्पेंद्र अहिरवार द्वारा आयोजित इस सभा में वैसे तो अपेक्षाकृत भीड़ एकत्रित नहीं हुई, जबकि पिछले एक सप्ताह से गांव-गांव प्रचार प्रसार किया जा रहा था। लगभग 300 कुर्सियां सभा स्थल में रखवाई गई थी, लेकिन कार्यक्रम के अंत तक वह भर नहीं सकी। जब सभा स्थल से पुष्पेंद्र अहिरवार व अन्य कांग्रेसी चार सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने की बात मंच से कर रहे थे और तहसीलदार सहवाल सिंह को मंच पर ज्ञापन लेने बुलाया जाने लगा, तो तब वो मंच तक नहीं आए। इस पर मंच से ही तहसीलदार मुर्दाबाद और तहसीलदार चोर हैं जैसे शब्दों का उच्चारण किया गया। बाद में मंच से 10 मीटर दूरी पर स्थित तहसील कार्यालय के सामने पुष्पेंद्र व अन्य कांग्रेसी आए और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बिना वजह एक अधिकारी को मंच पर न आने के बाद उसके खिलाफ नारेबाजी की गई, जो जन चर्चा का विषय बन गई। कुल मिलाकर यह सभा लापरवाही और गुटबाजी की भेंट चढ़ गई। मजेदार बात यह भी है कि इस कार्यक्रम के आयोजक ही सभा के बतौर मुख्य अतिथि रहे। आज आपके द्वारा ये किसानों का विशाल जन आक्रोश रैली की गई, तो तहसीलदार को ज्ञापन के माध्यम से क्या कुछ सरकार को से आपकी मांगे हैं? जी जी बिल्कुल, पहले तो हमारी मांग थी कि आवारा पशुओं की व्यवस्था करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। और तमाम जैसे आपके क्षेत्र में जो हॉस्पिटल है, चंदला हो गया, गोरियार हो गया, सर्वई हो गया, इन अस्पतालों में स्टाफ की नियुक्ति एवं खास तौर से डॉक्टर महिला नियुक्ति की जाए। और आपके आशा कार्यकर्ताओं की मानदेय, सर्वई में बस स्टैंड, आपके गोरियार में बस स्टैंड नहीं है, आपके इनका बस स्टैंड का निर्माण कराया जाए, आपके आरटीसी शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति की जाए, ऐसे तमाम बिंदुओं को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के सभी ब्लॉक अध्यक्ष, चाहे वो हमारे बारीगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष हो, गोरियार ब्लॉक अध्यक्ष हो, सर्वई, आपके चंदला, आपके बचौन सभी ब्लॉक अध्यक्ष एवं सभी क्षेत्र के हजारों किसानों के साथ हम लोगों ने आज तहसीलदार महोदय जी से ज्ञापन दिया है और उनसे अपील की है। और भी तमाम छोटी छोटी ऐसी दिक्कतें थी कि अभी आपके 3 माह पहले, क्योंकि पूर्वा में 3 प्रजापति परिवार की गाज गिरने से मौत हो गई थी, उनको आज तक भी कोई मुआवजा राशि नहीं दी गई है। आपके महाराजपुर मचपटिया में भी सर्प काटने से एक महिला की मौत हो गई थी, उनको भी कोई मुआवजा राशि नहीं दी गई है। ऐसे तमाम बिंदुओं को लेकर हमने आज तहसील ऑफिस में तहसीलदार महोदय जी को ज्ञापन दिया है। अगर सरकार के द्वारा आपकी ये जो मांगे हैं मानी नहीं जाती, तो अगला कदम आपका क्या होगा? जी बिल्कुल, हमने उसके पहले लवकुश नगर में ज्ञापन दिया था, हमने कहा था हम गौरियार में इससे बड़ा करेंगे, और नहीं मानेंगे तो हमारे पार्टी के मुखिया कमलनाथ जी आएंगे, लेकिन हम लोग अपनी मांगों को मनवाएंगे। और नहीं, ये लोग नहीं मानेंगे तो इनका 2023 में जाना भी है। लेकिन एक चीज, एक ज्वलंत मुद्दा मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे पुष्पेंद्र जी एक चीज बताइए कि कांग्रेस में इतने सारे गुट क्यों? कोई गुण नहीं, आप नहीं बोलेंगे? कांग्रेस पार्टी में कोई गुट नहीं है,
कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी है पंजा, हाँ, जिसको पंजा निशान मिलेगा उसमें सभी लोग चढ़ जाएंगे पंजे के ऊपर। वो तो चढ़ना एक अलग बात हो गई, पंजे में चढ़ जाएंगे सभी लोग, लेकिन अलग अलग जगह पे धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, अलग अलग जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं, इसका मैं समाज में क्या संदेश जाता हूं? नहीं, इसका कोई संदेश नहीं। आज गोरिहार में जो ज्ञापन हुआ है, आपके पांचों ब्लॉक दिख रहे हैं, आपके सभी कांग्रेस पार्टी के चाहे पूर्व के पदाधिकारी रहे हो, चाहे वर्तमान, चाहे किसान, आपके किसानों से संबंधित हो या सभी मोर्चे के सभी पदाधिकारी रहे, और कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। चलो चलो।